हेलो नमस्कार, राजेश पंवार कुछ नए अंदाज में आप सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे इतने सारे वीडियोस पर आपके व्यूज़, आपके लाइक्स और आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास बात आप लोगों के लिए है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं मेरे पास कि मुझे कुछ ट्रिक्स देना चाहिए, गाने के बारे में कुछ टेक्निक मुझे बताना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। मुझे जितना मुझे आता है मैं अपने मन से अपने दिल से परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने कई लोगों से कहा भी कि देखिए मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रेशर था कि नहीं आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी बताइए लाइव परफॉर्मेंस कैसे आप करते हैं, कैसे गाने में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिस तरह से परफॉर्म करते हैं लाइव परफॉर्मेंस में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। उन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, पूरे वर्ल्ड से मेरे पास जो है मैसेजेस आते हैं। सभी जगह मेरे चाहने वाले इतने हैं कि मैं तहे दिल से उनका सभी का और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड तो मैंने सोचा कि चलिए एक कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे पास है वो आप लोगों के बीच पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा म्यूज़िक के बारे में कुछ ट्रिक्स टेक्निक आपको बताऊँ, जो मुझे आता है सब कुछ मैं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप अच्छा से अच्छा गाएं, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। उन सभी को मैं, जो भी आर्टिस्ट है, जो भी सिंगर है, जो भी गाना चाहते हैं, जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं लाइव स्टेज पर, मैं उन्हें जो भी ट्रिक्स, जो टेक्निक मेरे पास है, जो मैंने सीखा अपने गुरुजनों से, जो मुझे खुद आता है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। ये मेरा पहला वीडियो आपके सामने सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ इन फ्यूचर। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट लेसन जिस दिन मैं अपलोड करूँगा, डेफिनेटली जो अच्छा बनेगा आप लोगों के लिए मैं करूँगा। और आप लोगों को ट्रिक्स टेक्निक, जो भी सुरों के साथ किस तरह से हमें बात करना चाहिए, सुरों के साथ बात की जाती है, अपने दिल में अपने जहन में म्यूज़िक को किस तरह से रखने की बात करते हैं या रखना चाहते हैं, मैं आपको बताऊँगा उस चीज़ को किस तरह से म्यूज़िक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को जो है खूबसूरत बनाया जाए, उसको अच्छी तरह से लाइफ को लीड की जाए और अपना एक खुद का ओन स्टाइल होना चाहिए गाने के लिए, कि अपने स्टाइल में गाना कैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनल गाना हो बहू वैसा गाना गाया जाए, गाने को अपने अंदाज से कितना ब्यूटीफुल और बनाकर उसको और अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सके, उन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने शेयर करूँगा। किस तरह से उस फील को, किस तरह से उस एक्सेंट को स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए और इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो होते हैं, सब बहुत सारे लोग होते हैं आपके सामने बैठते हैं, किस तरह से उन्हें फेस करके गाना चाहिए, गाते वक्त किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट आपका किस तरह से ऑडियंस के साथ होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव परफॉर्मेंस में। आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और धीरे 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 जो भी सुर के साथ रियाज कैसे करना चाहिए, लाइट म्यूज़िक को कैसे गाना चाहिए, फिल्म म्यूज़िक को, बॉलीवुड म्यूज़िक को किस तरह से गाना चाहिए, किस चीज़ का महत्व इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बॉलीवुड म्यूज़िक में, उस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको रखना पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अगर आप गाते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो भी करते हैं कॉन्फिडेंटली करिए, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप कभी भी गाते हैं, अपने आप खुद पर विश्वास रखिए और हमेशा ये सोच के आप परफॉर्म करिए कि आप खुद के लिए गा रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं गा रहे हैं। आप म्यूज़िक को एंजॉय करिए खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए परफॉर्म करिए। आप भूल जाइए स्टेज पर जाने के बाद कि आप किसी के लिए गा रहे हैं, आप खुद को एंजॉय करिए, खुद को सुनाइए और खुद एनालाइज कीजिए कि हाँ मैंने क्या किया। और अगर गलती करते हैं आप, तो गलती सबसे होती है, गलती करोगे तो ही सीखोगे, और मैं चाहता हूँ कि गलती पे गलती होती तो सीखता है इंसान।
जब तक गलत नहीं होगा तो सही कभी नहीं होगा। तो आपको जब भी परफॉर्म करना है आप करिए, फुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करिए स्टेज के ऊपर। और आपका बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो भी किस तरह से होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फर्स्ट लेसन के तौर पर आपके सामने आएगा। ये मेरी शुरुआत है, इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं कुछ नया आप लोगों के लिए जो हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से वो मैं देना चाहता हूँ आप सभी को। और यही मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि जो भी कुछ मेरे पास जितना मुझे आता है ज़रूर आप लोगों के काम आएगा, ज़रूर आप लोग उससे कुछ सीखेंगे। जिस चीज़ से मैंने सीखा, जिस तरह से मैंने अपने आप को म्यूज़िक के हवाले किया, अपनी ज़िंदगी को म्यूज़िक के लिए दिया है, और किस तरह से मेरा म्यूज़िक में जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उस सारी चीज़ें धीरे 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 आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जितना अच्छा बेहतर हो सके म्यूज़िक, उतना अच्छा म्यूज़िक आप सुने, क्योंकि जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना ही अच्छा आप गाएंगे। मैं सब आर्टिस्ट को, हर परफॉर्मर को यही बोलता हूँ कि जितना अच्छा म्यूज़िक आप सुनेंगे उतना अच्छा आप गाएंगे। और म्यूज़िक इज़ द टैबलेट फॉर योर स्ट्रेस, फॉर योर ऑल जितने भी आपकी डिजीज़ हैं उसके लिए आज के वक्त में म्यूज़िक एक बहुत बहुत बड़ी जो है एक थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी जो है वो है, और उसके ज़रिए कैसे हम लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।